किस तरह से प्रोसेस किया जा रहा है, काफी लोगों को घरों में पानी पहुंचा? जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, नदी के अक्रॉस जितने भी मकान हैं ये झुग्गी झोपड़ियाँ थी, और यहाँ से बहुत से लोगों को जो वहाँ बसे हुए थे उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, और उन सभी को विपश्यना सदन जो कि हमारा एक रेस्क्यू सेंटर है वहाँ पर उन्हें बिठाया गया है। ओवरऑल सिचुएशन क्या है? ओवरऑल सिचुएशन अभी काफी हद तक कंट्रोल में है, क्योंकि हमें जो कैजुअलिटीज हैं वो केवल 3 या 4 ही अभी तक रिपोर्ट हुई है, जो कि कल से हुई है, उसके बाद हमें कोई भी कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। कनेक्टिविटी की बात किया, डिस्कनेक्ट हुआ मुंबई से, तो रोड रेस्टोरेशन का प्रोसेस कब शुरू हुआ, किस तरह का हालात है? रोड रेस्टोरेशन का प्रोसेस तो हम तभी बता पाएंगे जब पानी का स्तर नीचे होगा और बारिश बंद होगी, क्योंकि कितने सड़कें बह गई हैं और कितनी सड़कें अभी मौजूदा हालात में स्थित हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी अलर्ट है, कब तक अलर्ट आपकी तरफ से दिया पुलिस को, क्या जो वेदर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से आज तो पूरे दिन का रेड अलर्ट है, कल क्या स्थिति होगी ये उनसे पता लगेगा। अभी तक कितने घर खाली आ चुके हैं, लोगों को रिलीफ कैंप मिल गया? आज हम करीब 80 लोगों को इन घरों से, जो कि 50 घर होंगे, और उसके अलावा जो थोड़ा सा यहाँ पॉश एरियाज हैं वहाँ से भी हमने करीब 25 मकान खाली करवाए हैं। ऐसा भी देखा गया कुछ लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो किस तरह से बदल? ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जिन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर घर निर्माण किया है उनको थोड़ी सी मुश्किल तो आएगी उसे छोड़ने में, लेकिन फिर भी उन्हें समझाया गया है कि जीवन सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्होंने उन जगहों को छोड़कर शिफ्ट करने के लिए मंजूरी दे दी थी। अभी